दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही अमीर अरब देश ओमान के बारे में बात करूंगा। ओमान का ऑफिशियल नाम है सल्तनत ऑफ ओमान। यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है मस्कट। ओमान का बॉर्डर सऊदी अरब, यमन और यूनाइटेड अरब एमिरात से मिलता है। यहाँ की आबादी 45 लाख के आसपास है। दोस्तों, ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ये करेंसी दुनिया की तीसरी सबसे महंगी करेंसी है। एक ओमानी रियाल के भारत में 167 रुपए बनते हैं। ओमान की हिस्ट्री काफी पुरानी है और ये जगह पृथ्वी की उन कुछ जगहों में से आती है जहां पर बहुत समय से इंसान रह रहा है। आंकड़ों के मुताबिक यहां पर इंसान 1,06,000 साल से रह रहा है। ओमान के लोगों को शराब खरीदने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और वहाँ पर कोई भी इंसान अपनी इनकम का 10% से ज्यादा हिस्सा शराब पर खर्च नहीं कर सकता। ओमान में वीकेंड सैटरडे संडे को नहीं होते, बल्कि यहाँ पर वीकेंड थर्सडे और फ्राइडे को होते हैं। दोस्तों, ओमान में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता, इसीलिए यहाँ पर कार खरीदना बहुत ही आसान है और यहाँ पर हर नागरिक के पास कार मौजूद है। दोस्तों, इंडिया और ओमान के संबंध काफी अच्छे हैं और हर साल इंडियन नेवी ओमानी नेवी को ट्रेन करने के लिए वहाँ जाती है। ओमान में घरों पर रंग करवाने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन सफेद रंग करवाने के लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ओमान बहुत ही सेफ कंट्री है और यहाँ पर क्राइम रेट जीरो है। वहीं दोस्तों, बेरोजगार लोगों को ओमान में बहुत फायदा होता है क्योंकि वहाँ की सरकार बेरोजगार लोगों को हर महीने 220 ओमानी रियाल देती है, जो कि अगर भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 36,000 रुपयों के बराबर है। और इसके अलावा वहाँ की सरकार बेरोजगार लोगों को जॉब्स भी ढूंढने में मदद करती है। दोस्तों, ओमान अपने कल्चर और संस्कृति के लिए भी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। तो दोस्तों, आप भी ओमान जरूर घूमने जाइए, बहुत ही बढ़िया कंट्री है।